हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू तमन्नास एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों को डेली प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये वर्कशीट मैंने अपनी बेटी के अकॉर्डिंग बनाई है, जो चीज़ें मैं अभी उसको सिखा रही हूँ, और उसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं ताकि बच्चा भूले नहीं। आपको जो अपने बच्चे को आप सिखा रहे हो उसके हिसाब से वर्कशीट बनानी है, और उसमें पीछे का जो आप पढ़ा चुके हो उसमें से भी कोशिश करना कि कुछ ऐड ऑन कर ले, ताकि बच्चा पुरानी चीज़ें भूले नहीं। अगर हम दो तीन दिन बच्चों को वो चीज़ें नहीं कराते, कुछ दिन हो जाते हैं तो बच्चा वो चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए अपनी डेली वर्कशीट में कुछ पुराने टॉपिक्स भी ऐड करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है मैचिंग का। यहाँ पे मैंने कुछ फूड बनाए हैं, हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड। बच्चे को वो हेल्दी फूड जो है वो इस हेल्दी फूड से मैच करना है, और जो अनहेल्दी है वो इधर अनहेल्दी से मैच करना है। जैसे कैरेट हेल्दी फूड है तो बच्चे को हेल्दी फूड से मैच करना है। पिज़्ज़ा अनहेल्दी है तो बच्चा उसको अनहेल्दी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 वर्ड्स That start with B। जब हम बच्चों को फोनिक्स पढ़ाते हैं तो जनरली बच्चों को स्कूल में भी हर लेटर से, हर साउंड से 5-5 वर्ड सिखाए जाते हैं। सेम वही है, बस इसमें बच्चे को क्या करना है, लिखना है, बच्चे को स्पेलिंग लिखनी है। अगर आपके बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती तो आप बच्चे को ड्राइंग बना के भी दे सकते हैं, और उसको वो ऑब्जेक्ट सर्कल करने के लिए बोलिए जो भी लेटर आपने दिया। जैसे यहाँ पर बी है तो आप कुछ ऑब्जेक्ट बनाइए और बच्चे को बोलिए जो बी से स्टार्ट होते हैं उनको सर्कल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स। आप जब राइमिंग वर्ड बच्चे को सिखाना स्टार्ट करें तो आप शुरुआत सीवीसी वर्ड से करें, उसके बाद आगे करा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 3-लेटर वर्ड है और 4-लेटर वर्ड भी है। सर्कल द ऑड वन आउट। फर्स्ट में मैंने बच्चे को यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम साथ में लिखे हैं। बच्चे को इसमें जो ऑड वन है वो सर्कल करना है। जैसे ग्रेप्स, बनाना, ऑनियन। ग्रेप्स और बनाना दोनों फ्रूट्स हैं, ऑनियन क्या है, वेजिटेबल, तो ऑनियन इज ऑड वन। आप ये नाम लिखने की जगह आप बच्चे को कोई भी डायग्राम बना के दे सकते हैं। जैसे शेप दे दिए, शेप के साथ आप बीच में कोई फ्रूट बना दीजिए, ऐसे ड्राइंग बना के भी दे सकते हैं। और अगर बच्चा रीड कर लेता है, नहीं भी कर लेता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसको रीड करिए, बच्चा बताएगा कि वो कौन सा ऑड वन है और उसको सर्कल करना है। इसमें सारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कुछ सम्स दे रखे हैं। अगर आपने अपने बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी सिखाए हैं उससे रिलेटेड आप बच्चे को क्वेश्चन दे सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बच्चे को 1 डिजिट से स्टार्ट करना है। पहले आप बच्चे को 1 डिजिट सिखाइए, उसके बाद 2 डिजिट सिखाइए। नेक्स्ट है मैचिंग। यहाँ पे मैंने 4 इक्वेशन दे रखी है, बच्चे को इक्वेशन सॉल्व करनी है, और जिस भी इक्वेशन का आंसर 10 है उसको आंसर से मैच करना है। राइट द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे को ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अगर आप अपने बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना चाहते हैं तो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ये मिसिंग 2 डिजिट सम है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चे को यहाँ पर क्या करना है, 10 में वो नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करके 55 आंसर आए, तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग दिया है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, इसमें एक नंबर मिसिंग दिया है और आंसर लिखा है, तो बच्चे को यहाँ पर देखना है कि क्या नंबर आएगा। जैसे इसमें है, यहाँ नीचे आंसर क्या है, 5, तो बच्चा सोचेगा 0 में वो क्या ऐड करे तो 5 आंसर आएगा। किसी भी नंबर को 5 से हम ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आंसर होता है। 1 में क्या ऐड करे तो 5 आएगा, 1 + 4 = 5। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड। व्हाट इज़ द टाइम
when hour hand is on 10 and minute hand is on 3. तो बच्चा सोचेगा, अगर बच्चा नहीं सोच पा रहा तो आप उसको बोलिए कि यहाँ पे क्लॉक भी बना सकता है, फिर उसमें हैंड बना के फिर टाइम लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम से रिलेटेड है। गौरी हैज़ 25 बैलून्स, शी गेव 6 बैलून्स टू हर फ्रेंड। बच्चे को इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में दे तो छोटे छोटे दे बच्चे को, ताकि बच्चे को समझ में आए, उसके बाद उसका कॉम्प्लिकेशन लेवल आप बढ़ा सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग जितना बच्चे ने सीखा है। एंड 4 टू हर कज़िन, तो इस प्रॉब्लम में बच्चे को सब्ट्रैक्शन करना है। गौरी हैज़ 25 बैलून्स, गौरी के पास 25 बैलून्स हैं, जिसमें से उसने 6 अपनी फ्रेंड को दे दिए और 4 अपनी कज़िन को दे दिए। हाउ मैनी लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितने बचे। आप जब बच्चे को ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो उससे पहले आप उसकी ऐसे क्वेश्चन आप बच्चे को देने से पहले उनकी कुछ दिन तक ओरल प्रैक्टिस कराएं। जैसे आपका बच्चा अभी चॉकलेट खा रहा है तो उससे पूछ लिए तुम्हारे पास इतनी चॉकलेट है, तुमने इतनी खा ली तो अब कितनी बची, या फिर किसी को दे दी या उसमें ऐड ऑन कर दीजिए तो अब कितनी हो गई। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपसे आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद आप बच्चे को ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं करने के लिए। ये कलर कोडिंग एक्टिविटी दे रखी है डायरेक्शन के लिए। जब आप बच्चे को डायरेक्शन सिखा रहे हैं तो आप ऐसी वर्कशीट उसको बना के दे सकते हैं। आप ये जो मैंने एरो बनाए उसकी जगह आप डायरेक्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप ये कलर बच्चे को ना देकर उसके साथ ये लिखने के लिए भी दे सकते हैं कि अगर जो नॉर्थ में अप डायरेक्शन में है वहाँ पे तुमको एन लिखना है, जो डाउन डायरेक्शन में उसमें एस लिखना है, ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ऐसे कलर भी दे सकते हैं। तो जो राइट साइड है वो सारे एरो बच्चे को ग्रीन कलर से करना है, तो बच्चा इसमें देखेगा कौन सा एरो राइट साइड है और उसको ग्रीन कलर से करना है। नेक्स्ट हिंदी वर्कशीट है, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, पिक्चर बनाई है, बच्चे को देखना है और उनके नाम लिखने हैं। इसमें 2 अक्षर वाले शब्द भी हैं, 3 और 4 वाले भी, बिना मात्रा के। इसमें कोई भी शब्द मात्रा वाला नहीं है, सभी बिना मात्रा वाले हैं। तो आप भी अपने बच्चे को अगर सिखा रहे हैं शब्द पढ़ना जोड़ना तो आप उसको ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।